आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए खड़ा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इन सब के सामने आज यहाँ हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे ये पूरा बंदोबस्त किया, मुझे वहाँ से यहाँ तक मैंने सब चीज़ें देखी, आपसे मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात हुई, आप सबसे मुलाकात हुई, एक फिल्म देखी। चंबूर के वासियों, जितने भी यहाँ बच्चे हैं, आप लोग सब यहाँ आए, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जो भी कहूँगा, जो मुझे आता है, जो मैं दिल से कहता हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, जो जो बातें इन सब ने की हैं, मुझे पता नहीं है आप लोगों ने ध्यान से सुनी है कि नहीं सुनी है, आपने समझने की कोशिश की है कि नहीं की है। लेकिन मैं तो बचपन से ही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश नसीब था कि मेरे माँ बाप, स्पेशली मेरी अम्मा, हमारी मेरी पैदाइश जैसे कि आप जानते हैं कि तिलक नगर में हुई, यहाँ से नज़दीकी है, और इस एरिया से चंबू स्टेशन से मैं रोज चलकर स्कूल जाता था। मैं कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि कुछ मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे टीचर्स ने, जो जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया, वो मैंने ध्यान से सुना, और मेरे माँ बाप ने मेरे को बताया कि किस तरह इम्पॉर्टेंट है, किस तरह बहुत ही ज़रूरी है अपने आप को साफ रखना, अपने घर को साफ रखना। साथ जो कूड़ा है, जो कचरा है, सही जगह सही वक्त पर। अगर मैं इस एरिया में रहकर, अगर मैं चंबूर में रहकर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आप सब भी पहुँच सकते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि सफाई का बहुत बड़ा हाथ है। आज अगर मैं, सब लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत मैं स्वस्थ हूँ, बहुत तंदुरुस्त हूँ अपनी उम्र के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें सफाई का और साफ सुथरा और अपने आप को हेल्दी रखने का, सही चीज़ें सही वक्त पे करने का बहुत बड़ा हाथ है उसका। तो जितने भी यहाँ लोग हैं, आप सब यहाँ हैं, आप लोग सब हैं बच्चे लोग, मैं भी आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोग भी अपने माँ बाप की बात सुने। वो अगर कहें कि ये इसको साफ रखना, अपने हाथ धो, सही वक्त पर नहाओ, सही वक्त पर चीज़ें करो, बड़ों की मदद करो, बुजुर्गों की मदद करो, पड़ोसों की मदद करो, तो आप सबको बच्चों को करना चाहिए, माँ बाप की बात माननी चाहिए। ये तो आप लोगों का बहुत बुरा हाल होगा, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आप लोग कुछ बनना चाहते हो तो अपने माँ बाप की बात सुनो। और वो कहते हैं कि सब चीज़ें साफ होनी चाहिए, सही वक्त पर होनी चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए। और जितने भी यहाँ माँ बाप, जितने भी यहाँ माएँ हैं, जो भी यहाँ हैं, एल्डर्स हैं, जो हैं, चाचा चाची भाई बहन दोस्त जितने भी हैं, ये बहुत बहुत, अगर आप दूसरों के लिए कुछ मत करो, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है दूसरों के लिए करने के लिए, तो एटलीस्ट अपना घर तो साफ रखो। उतना भी अगर आप करेंगे, उतना भी आप करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अपना घर, जैसे कि उन्होंने बीएमसी जी ने कहा कि सही वक्त पे कचरा देना, सही वक्त पे सही जगह जाना। मैंने सारी चीज़ें यहाँ की देख ली है, क्या क्या नाले का प्रॉब्लम है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, मैं एक दिन में तो ये सब चीज़ें कर नहीं सकता, मगर मैंने सबका मुआवजा किया है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैंने क्यों सोचा कि मैं चंबू रहूँ, यहाँ हूँ, मैं जू में रहता हूँ, जिन्होंने जैसे इन्होंने कहा मैं जू में रहता हूँ, मैं जू में भी कर सकता हूँ, पर मैंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं जहाँ पैदा हुआ वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि कुछ जो जगह है चंबूर में जो बहुत डेवलप हो रही है, और कुछ जगहें ऐसी हैं जो बिल्कुल डेवलप ही नहीं हो रही, जिन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं हम सब कुछ गलतियां कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, हम सब कहीं ना कहीं कुछ हम लोग गलतियां कर रहे हैं जो हमें सुधार नहीं। और मैं अपनी तरफ से, जो हमारे सब जितने भी लोग हैं मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, और जो जुड़े नहीं, मैं उनको जोड़ने की कोशिश करूँगा, जितना मेरे में ताकत है, जितना मेरा, मैं जितना कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा। और मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग हमारी मदद करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे कि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ दो नए स्वच्छ टॉयलेट्स हैं और एक जो है वो पेड टॉयलेट है, करेक्ट? सही बात है ना? सही बात है। और इन्होंने कहा कि जगह की कमी है, तो इसका भी हम लोग इस पर भी सोच विचार करेंगे कि ऐसा कैसे, जगह की कमी है तो इस पर हम कैसे कुछ चीज़ें कर सकें। मैं फिर वहाँ गया पंजाबी बाग से, पंजाबी चौल से और अभी बाग, तो मैं कुछ परिवार से मिला तो एक मोहतरमा जी थी, उन्होंने मुझे कहा कि जो हमारा नाला है बहुत ही गंदगी से और पीने का पानी भी अच्छा नहीं है और सब मिल जाता है और सब ये इससे ही सारी प्रॉब्लम्स और बीमारियां शुरू होती हैं, तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ करने के लिए ताकि वहाँ का पूरा नाला भी पूरा साफ हो जाए और यहाँ का जो पूरा एरिया। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैंने इनसे कहा है, पूरे जितने भी लोग हैं, कि जो जो आप लोगों की कंप्लेंट्स हैं वो आप जो जो हैं नरेंद्र जी हैं प्लान इंडिया से उन्हें बताएं, नरेंद्र जी पीएमसी जी से प्लान, और हम लोग सब मिलकर पुलिस जो है यहाँ अपना तिलक नगर के हमारे जो कर्ता धरता हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है। मैंने बोला कोई इधर कोई एरिया में प्रॉब्लम हो तो बोल देना मुझे, समझे ना, सबको जानता हूँ मैं इधर ऊपर से लेकर नीचे तक, समझे ना, पॉलिटिशियन को जानता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ, बीएमसी को जानता हूँ, टोकन ठाकी को भी जानता हूँ, प्यार से रहता हूँ, सबसे प्यार से बात करता हूँ, मगर सब मिलजुल कर रहेंगे तो अच्छा लोग कर सकेंगे। चंबू के अमीर ये जो है अमीर बाग के लिए, पंजाबी चौक के लिए, देखिए ये जो आज ये लोखंडे मार्ग है यहाँ जो मैं पूरे एरिया में गया हूँ, यहाँ से हमारी शुरुआत होगी और कुछ वक्त दीजिए हमें, और मेरी उम्मीद है मैं ये कहूँगा और ये मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये पूरा जो एरिया है आप लोगों को गर्व होगा, ये मेरा वादा है, पूरी कोशिश करूँगा, मगर आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं अकेला नहीं कर सकता, ये आप समझ लीजिए, आप लोग को मुझे ही मदद करनी पड़ेगी, बिल्कुल पक्का है ना, और मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरी मदद करेंगे मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरी मदद करेंगे मैं आपकी, आप लोग मेरी मदद करेंगे मैं आपकी मदद, मैं अकेला नहीं कर सकता ये, आप सबको मिलकर, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, और मेरा काम है जैसे बोलते हैं कि मैं, इन्होंने कहा कि मेरे को आपसे मिलकर मुझे एनर्जी आई है, तो मेरे में जितनी एनर्जी मैं आपको दूंगा, आप मेरी एनर्जी लीजिए, मेरी ताकत लीजिए, मेरा टाइम लीजिए, सब कुछ लीजिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्वस्थ चंबू स्वस्थ भारत, सबसे पहले जहां पैदा हो पहले उसको पहले स्वस्थ हो, बाकी तो यहां छोड़कर गया मगर मुझे ये जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि यहां से मेरी शुरुआत हुई और सबसे पहले इसका स्वस्थ होना बहुत, ठीक है ना, ओके आगे बढ़ो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब आए, आप लोगों ने सुना, मैंने ये सब चीज़ें देखी और काफ़ी कुछ मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, सारी सोच लेके जा रहा हूँ, और फिर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, थैंक यू वेरी मच।